हेलो एवरीवन, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट एंजल विंग्स बिगोनिया। ये मेरे घर में 3 मंथ पुराना है और इसे मैं जब अपने घर में लेकर आई थी तो एक वीडियो शेयर आप लोग के साथ किए थे, जो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। तभी ये प्लांट बहुत ही छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हो रहा है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले इसके सॉइल की बात कर लेती हूँ। तो इसका सॉइल मैंने 4 भाग अगर है तो 3 भाग मैंने कोकोपीट, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत लिया था। और ये ज़मीन में 8-10 फुट लंबा होने वाला प्लांट है। तो जब हम किसी को छोटे से कंटेनर में लगाते हैं तो पोषक तत्व तो देनी पड़ती है, तो सिर्फ 1 चम्मच मैंने इसमें परलाइट डाल दिया है। और देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसकी मिट्टी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस मॉइस्चर होनी चाहिए। और आप देखेंगे तो मेरे जो प्लांट है ये फूल भी दे रहा है और नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए फूल हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये ह्यूमिडिटी पसंद करने वाला प्लांट है। तो मेरा घर जैसे अभी ईस्ट फेसिंग है तो इसे छन कर 4-5 घंटे की धूप लगती है और तेज़ धूप मेरे ख्याल से इसे नहीं चाहिए। और इसीलिए ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो अब रही इसमें वाटरिंग की बात, तो मैं प्लेट, एक पॉट के नीचे एक प्लेट रख दीजिए और उसमें पानी रख दीजिए। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी लेगा 3-4 दिन तक, और फिर आप फिंगर टच करके देखिए कि पानी की ज़रूरत होगी तो आप इसमें वाटरिंग कीजिए। और इसी तरह मैंने इसे ग्रो किया है और इसकी ग्रोथ बता रही है कि मैंने जो जो किया है ठीक ही है। ये मेरे लिए एक चैलेंज ही था। अब रही जाड़े की ठंड की बात, तो अब ठंड में देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी होती है और मुझे क्या क्या करना पड़ता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।